रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयद मोहम्मद व अला सैयद मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी रेसिपी है मटन और गोभी, मटन और गोभी, छोटा गोश्त और गोभी। और इसके लिए मैंने 1.5 किलो छोटा गोश्त लिया है और 2 किलो मैं गोभी लेकर इसको बारीक काट लूँगा। मैंने प्रेशर कुकर लिया है, उसमें मैं मटन जो है उसको शामिल कर दूँगा सबसे पहले, और उसके बाद मैं प्याज 3 अदद बड़ी कटी हुई शामिल कर दूंगा, लहसुन के 15 जवे शामिल कर दूंगा, टमाटर 2 मीडियम साइज़ की इनको शामिल कर दूंगा, गरम मसाला 10 रुपये वाला पैक, सुरख मिर्च मैं इसमें 2 टेबलस्पून शामिल करूंगा, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कीजिएगा, नमक 1.5 टेबलस्पून आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग, और हल्दी पाउडर 1 टेबलस्पून। इसमें अब मैं पानी डालूँगा जितना के गोश्त मटन इसमें गल जाए, और इसको मैं पहले 5 मिनट तेज़ आंच पर स्टीम लगाऊँ, उसके बाद मीडियम आंच करके इसकी स्टीम को 20 मिनट तक पकाऊंगा इसमें। तो इसको ढक्कन लगाकर इसको बनाने की तरफ चलते हैं। जी माशाल्लाह, हमारी 15 मिनट की स्टीम के बाद तकरीबन मटन जो है वो फुल गल चुका है, टेंडर हो चुका है। इस स्टेज पे हम ऑयल को शामिल करेंगे 1 कप, आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक कीजिएगा, और अदरक का पेस्ट 1 इंच का टुकड़ा लेकर उसका छिलका उतारकर पेस्ट वो शामिल कर देंगे, और इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं इसमें। ऑयल में हम मटन को भूनेंगे, दोनों का कच्चापन ख़त्म करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। मटन को ऑयल में 5 मिनट भूना है, अब इसने ऑयल छोड़ दिया। इस स्टेज पे हम इसमें गोभी को शामिल कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे, और हल्की आंच पर इसको पकाएंगे, अब दम वाली आंच पर इसको पकाते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। ये मैंने 10 मिनट गोभी को इसके अंदर पकाया है, मटन के अंदर। अब हम इस स्टेज पर 2 टेबलस्पून सूखा धनिया पीसा हुआ शामिल कर देंगे, 1 टेबलस्पून जो है हम ज़ीरा शामिल कर देंगे, और सब्ज़ मिर्च 2 अदद हम बारीक काटी हुई शामिल कर देंगे। इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। अभी हमारी गोभी में थोड़ी सी कसर है, ऑयल नहीं छोड़ा, जब ये ऑयल छोड़ती है तब उसके बाद आपसे मिलते हैं। हमारी मटन गोभी ने ऑयल छोड़ दिया है, अब मैं इसमें थोड़ा सा धनिया डालकर इसको गार्निश करूंगा। अभी ये बिल्कुल तैयार है, मैंने इसको धनिया से गार्निश किया है। अभी मैं इसको डिश आउट करके फिर आपसे मिलता हूँ। माशाल्लाह, हमारा मटन और गोभी यानी छोटा गोश्त और गोभी बिल्कुल तैयार है, मैंने धनिया और सब्ज़ मिर्च के साथ इसको गार्निश किया है। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो जो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।